जिसमें अफेक्शनल बैलेंसिंग भी कह सकते ठीक हैं। ठीक है हरीश साहब, मैं आपको उसके लिए इस्तेमाल मैं आपको रोकूंगा। एक और एक बड़ा अहम सवाल, ठीक है, आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष आपने चुन लिया, नेता प्रतिपक्ष आप लोगों ने बना दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ, जितने लोग यहां पर बैठे हैं इस हॉल में या जितने लोग इस वक्त एबीपी गंगा पूरे देश भर में देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहे हैं, सबके जहन में एक सवाल है, चलिए प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तो हो गया, लेकिन कांग्रेस का चेहरा कौन होगा चुनाव में? और इस सवाल का जवाब हमें भी चाहिए, बतौर पत्रकार मैं आपसे सवाल पूछूंगा और लगातार पूछता रहूंगा जब तक चेहरा नहीं आएगा। देखिए, लोकतंत्र में दुल्हन वही जो पिया मन भावे जी। तो पिया का फैसला 2022 में आएगा जी, और जब पिया का फैसला आएगा तो उसके बाद हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षता तय कर देंगी कि कौन अध्यक्ष कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन रावत साहब, और हम देखते हैं कांग्रेस के भीतर, हमने आम लोगों की बात देखी तो हरीश रावत चेहरा होना चाहिए, पार्टी के कई समर्थक के बात कहते हैं, आज भी मैं कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो लोगों की जन भावनाएं क्या राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं समझ पा रहा? देखिए, हमने हमेशा अपने आप को पार्टी के लिए समर्पित किया और 2002 में तो कोई चेहरा था ही नहीं जी, नरेंद्र जी कहीं से तो नहीं कहूंगा, थे तो हमारे बीच के ही, लेकिन अचानक आए, हमने फैसले को सिरोधारी किया, तो हम तो 2012 में भी हमने सिरोधारी किया, बल्कि 2007 में हमने संख्या जुटा ली थी, पार्टी ने कहा नहीं सरकार नहीं बनाओगे, तो हमने कहा ओके, हम पीछे हट गए। देखिए, संसदीय प्रणाली में पार्टी महत्वपूर्ण है जी, और उसके बाद व्यक्ति आता है, व्यक्ति आता है। तो मैंने उत्तराखंड में भी ये फैसला किया है कि हरीश रावत का चेहरा जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चेहरे में समाहित हो जाना चाहिए, और उस समाहित चेहरे के साथ हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जाए, चलिए हम मैं आपके संकेत, राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं, तो इन संकेतों का हम ये मान के चलें कि हरीश रावत ही चेहरा होंगे कांग्रेस का? आप तो नारद मुनि के अवतार हैं जी। तो आप तो जहां जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि भी नहीं पहुंच पाता है वहां एंकर महोदय आप लोग पहुंच जाते हैं, तो मैं आप किसकी दिल की क्या था निकाल लें तो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात एक जानता हूं कि जो कांग्रेस के हित में होगा हरीश रावत अनंतो गत्वा उसी वहीं पर खड़ा होगा। ठीक है राजू साहब, लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस के भीतर उत्तराखंड की अगर सुर्खियों की बात करें, कांग्रेस की दो सुर्खियां बनती हैं, एक तो हरीश रावत के दौरे चाहे पहाड़ से लेकर मैदान तक, और दूसरी सुर्खियां उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी। ये दौरे वाली बात तो चलिए ठीक है, चुनाव में इसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन ये जो गुटबाजी है ये कब खत्म होगी ये बताइए। हम लोकतांत्रिक पार्टी जी, भाजपा तो लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है ना, वो तो फ्रेंचाइजी होल्डर हैं आरएसएस के, रेजिमेंटेड पार्टी हैं, लेकिन खबरदार जी जी, अब बात खबरदार, अब बात पूरी करिए दावत साहब, वो रेजिमेंटेड थॉट्स की पार्टी है, वहां एक व्यक्ति का निर्णय सबको मान्य होता है जी। वहां भी उत्तराखंड में तीसरा मुख्यमंत्री आ गया चार साल में, बल्कि इनका बस चलता तो ये चौथा मुख्यमंत्री भी दे देते जो है। तो जब भाजपा जैसी पार्टी के अंदर ये स्थिति है, तो उत्तराखंड छोटा राज्य है, छोटे राज्यों में अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं, कॉन्स्टेंसीज बड़ी छोटी होती हैं, व्यक्ति के अपने आधार राजनीतिक बदले हुए होते हैं, उनमें आकांक्षाएं रहती हैं, मगर हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारे अंदर अलग अलग विचार आते हैं, मगर उन विचारों को अनंतोगत्वा हम एक बहस के बाद, एक स्थिति के बाद एक धारा में जोड़ लेते हैं, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। और यहां भी आप याद रखिएगा, कितने हमारे अंदर फ्रिक्शन हो कुछ हो, मगर हमारा अंतिम लक्ष्य 2022 का चुनाव जीतना है और 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसमें आप हरीश रावत को बड़ी दृढ़ता के साथ जो है पार्टी के निर्णय के साथ पाएंगे। ठीक है रावत साहब, ये बताइए
आपने कहा 2022 आपका लक्ष्य है, लेकिन आपके बहुत सारे साथी तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, हालांकि अब पुरानी बात हो गई, अब तो अगला चुनाव भी आने वाला है। क्या आपको उन साथियों की कमी नहीं खलती? क्योंकि